हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बात कर लेते हैं देश की। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 78,64,811 हो चुकी है। एक दिन में 50,129 नए केसेस सामने आए। दिल्ली में कोरोना के लगातार तीसरे दिन 4,000 से ज्यादा केस सामने आए। एक दिन में 4,136 नए मामले दर्ज हुए। केरल में एक दिन में कोरोना के 6,883 नए मरीज, 43 नए मरीज सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के 96,585 एक्टिव केसेस। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास कोरोना से संक्रमित हुए, ट्वीट कर दी जानकारी, कहा आइसोलेट होकर काम करते रहेंगे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा पर निशाना साधा, कहा आवाम के मैंडेट के खिलाफ इमरान को प्रधानमंत्री बनाया। इस्लामोफोबिया के मुद्दे पर इमरान खान और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन आमने सामने, पाकिस्तानी पीएम ने लगाया इस्लाम पर हमला करने का आरोप। चीन ने लाहौर में सीपैक के तहत चलाई मेट्रो, इमरान की सरकार में पाकिस्तान के लोगों ने पहली बार मेट्रो को चलते देखा। फ्रांस ने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान के बयान पर आपत्ति जताकर अपने राजदूत को वापस बुलाया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को दिमागी तौर पर कमजोर बताया था। हरियाणा में नाराज शारीरिक प्रशिक्षण अध्यापकों ने मंत्री का घेराव किया, बोले नौकरी पर बहाल नहीं कर सकते तो गोली मरवा लो। पंजाब के होशियारपुर रेप और हत्याकांड पर सीएम अमरिंदर सिंह का ऐलान, पुलिस एक हफ्ते में चार्जशीट दाखिल करेगी। आगरा में विजयदशमी के मौके पर हिंदू जागरण मंच ने किया शस्त्र पूजन, दर्जनों हथियार लहराते दिखाई दिए लोग। प्रयागराज में भी विजयदशमी पर हुई हथियारों की पूजा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हुए शामिल। आगरा की सेंट्रल जेल के पास नाबालिग को फेंककर दो बाइक सवार फरार, लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस जांच में जुटी। मैनपुरी में यूपी पुलिस ने किया ऑनर किलिंग का खुलासा, दूसरी जाति में शादी करने से नाराज भाई और चाचा ने लड़की की हत्या की। कानपुर में पुलिस कंट्रोल रूम समेत कई जगहों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। फिरोजाबाद में बीजेपी नेता दयाशंकर की हत्या में पुलिस का खुलासा, भाड़े के हत्यारों ने की थी हत्या, पड़ोसी ईश्वर देव गुप्ता पर आरोप। अपराधी कुछ खबरें जान लीजिए। यूपी के हमीरपुर लुटेरों ने एक व्यापारी से 1.25 किलो चांदी और 5 तोला सोना लूटा, मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में लोटस अस्पताल के आईसीयू से वेंटिलेटर चोरी के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, पुलिस कर रही है मामले की जांच। राजस्थान के भरतपुर में चेन झपटमारों की कोशिश में पुलिस महिला के गले में फंदा पड़ा दुपट्टे से, मुश्किल से बची जान, वीडियो वायरल। बिहार के भागलपुर में पुलिस की पिटाई से एक शख्स की मौत का आरोप, बैरियर हटाने को लेकर हुआ था विवाद। बिजनेस वर्ल्ड की व्यापार जगत में क्या हालचाल है जान लीजिए। पीएम मोदी आज ग्लोबल ऑयल कंपनियों के प्रमुखों के साथ अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, 45 सीईओ शामिल होंगे। देश की पहली सी प्लेन सर्विस इसी महीने के अंत में शुरू हो सकती है। साबरमती रिवर फ्रंट से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक होगा परिचालन। बंगाल में दुर्गा पूजा का बजट 4 गुना कम हुआ, फंडिंग 25% घटी।